राज्यों के साथ निरंतर चर्चाएं की है और इन सभी चर्चाओं में से एक बात उभर करके आती है। हर किसी का यही सुझाव आता है, नागरिकों की तरफ से भी यही सुझाव आता है कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए। कई राज्य तो पहले से ही लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला कर चुके हैं। साथियों, सारे सुझावों को ध्यान में रखते हुए ये तय किया गया है कि भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा, यानी 3 मई तक हम सभी को, हर देशवासी को लॉकडाउन में ही रहना होगा। इस दौरान हमें अनुशासन का उसी तरह पालन करना है जैसे हम करते आ रहे हैं। मेरी सभी देशवासियों से ये प्रार्थना है कि अब कोरोना को हमें किसी भी कीमत पर नए क्षेत्रों में फैलने नहीं देना है। स्थानीय स्तर पर अब एक भी मरीज बढ़ता है तो ये हमारे लिए चिंता का विषय होना चाहिए। कहीं पर भी कोरोना से एक भी मरीज की दुखद मृत्यु होती है तो हमारी चिंता और बढ़नी चाहिए, और इसलिए हमें हॉटस्पॉट्स को इंगित करके पहले से भी ज्यादा, बहुत ज्यादा सतर्कता बरतनी ही होगी। जिन स्थानों के हॉटस्पॉट में बदलने की आशंका है उस पर भी हमें कड़ी नजर रखनी होगी, कठोर कदम उठाने होंगे। नए हॉटस्पॉट्स का बनना हमारे परिश्रम और हमारी तपस्या को और चुनौती देगा, नए संकट पैदा करेगा। इसलिए अगले एक सप्ताह में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कठोरता और ज्यादा बढ़ाई जाएगी। 20 अप्रैल तक हर कस्बे, हर थाने, हर जिले, हर राज्य को बड़ी बारीकी से परखा जाएगा। वहां लॉकडाउन का कितना पालन हो रहा है, उस क्षेत्र ने कोरोना से खुद को कितना बचाया है, इसका मूल्यांकन लगातार किया जाएगा। जो क्षेत्र इस अग्नि परीक्षा में सफल होंगे, जो अपने यहां हॉटस्पॉट नहीं बढ़ने देंगे और जिनके हॉटस्पॉट में बदलने की आशंका भी कम होगी, वहां पर 20 अप्रैल से कुछ जरूरी गतिविधियों की अनुमति, छूटछाट दी जा सकती है। लेकिन याद रखिए, ये अनुमति सशर्त होगी। बाहर निकलने के नियम बहुत सख्त होंगे। लॉकडाउन के नियम अगर टूटते हैं और कोरोना का पैर हमारे इलाके में पड़ता है तो सारी अनुमति तुरंत वापस ले ली जाएगी, और इसलिए
न खुद कोई लापरवाही करनी है और न ही किसी और को लापरवाही करने देना है। मेरे देशवासियों, कल इस बारे में सरकार की तरफ से एक विस्तृत गाइडलाइन जारी की जाएगी। साथियों, 20 अप्रैल से चिन्हित क्षेत्रों में इस सीमित छूट का प्रावधान हमारे गरीब भाई बहनों की आजीविका को ध्यान में रखते हुए किया गया है। जो रोज कमाते हैं, रोज की कमाई से अपनी जरूरतें पूरी करते हैं, वही मेरा एक बृहद परिवार है। मेरी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में एक, इनके जीवन में आई मुश्किल को कम करना है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से सरकार ने उनकी मदद करने का हर संभव प्रयास किया है। हम नई गाइडलाइंस बनाते समय भी उनके हितों का पूरा ध्यान रखा गया है। इस समय रबी फसल की कटाई का काम भी जारी है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर प्रयास कर रही हैं कि किसानों को कम से कम दिक्कत हो। साथियों, देश में दवा से लेकर के राशन तक पर्याप्त भंडार है। सप्लाई चेन की बाधाएं लगातार दूर की जा रही है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के मोर्चे पर भी हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। जहां सिर्फ एक लैब थी, वही अब 220 से ज्यादा लैब्स टेस्टिंग का काम कर रही है। विश्व का अनुभव ये कहता है कि कोरोना के 10,000 मरीज होने पर 1,500-1,600 बेड्स की जरूरत होती है। भारत में आज हम 1,00,000 से अधिक बेड्स की व्यवस्था कर चुके हैं। इतना ही नहीं, 600 से भी अधिक ऐसे अस्पताल हैं जो सिर्फ कोविड के इलाज के लिए काम कर रहे हैं। इन सुविधाओं को और तेजी से बढ़ाया जा रहा है। साथियों, आज भारत के पास भले सीमित संसाधन हो, लेकिन मेरा भारत के युवा वैज्ञानिकों से विशेष आग्रह है कि विश्व कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए, मेरे नौजवान साथियों, आप आगे आए। कोरोना की वैक्सीन बनाने का मेरे देश के नौजवान, मेरे देश के वैज्ञानिक बेड़ा उठाएं। साथियों, हम धैर्य बनाकर रखेंगे, नियमों का पालन करेंगे, तो कोरोना जैसी महामारी को भी परास्त करके ही रहेंगे। इसी विश्वास के साथ मेरी बात समाप्त करने से पहले मैं आपका साथ मांग रहा हूं। सात बातों में आपका साथ। पहली बात, अपने घर के बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें, विशेषकर ऐसे व्यक्ति जिन्हें पुरानी बीमारी हो, उनकी हमें एक्स्ट्रा केयर करनी है। उन्हें कोरोना से बहुत बचाकर रखना है। दूसरी बात, लॉकडाउन
और सोशल डिस्टेंसिंग की लक्ष्मण रेखा का पूरी तरह पालन करें। घर में बने फेस कवर या मास्क का, और वो भी घर में बने हुए, उनका अनिवार्य रूप से उपयोग करें। तीसरी बात, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका अगर हम पालन करें, गर्म पानी है, काढ़ा है, इनका निरंतर सेवन करें। चौथी बात, कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने में मदद करने के लिए आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप, जरूर डाउनलोड करें। दूसरों को भी इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए प्रेरित करें। पांचवी बात, जितना हो सके उतने गरीब परिवार की देखरेख करें, उनके भोजन की आवश्यकता पूरी करें। छठी बात, आप अपने व्यवसाय, अपने उद्योग में अपने साथ काम करे लोगों के प्रति संवेदना रखें, किसी को नौकरी से न निकालें। सातवीं बात, देश के कोरोना योद्धाओं, हमारे डॉक्टर, नर्सेस, सफाई कर्मी, पुलिस कर्मी, ऐसे सभी लोगों का हम सम्मान करें, आदर पूर्वक उनका गौरव करें। साथियों, इन सात बातों में आपका साथ, ये सप्तपदी विजय प्राप्त करने का मार्ग है। विजय होने का हमारे लिए निष्ठापूर्वक करने वाला यह काम है। पूरी निष्ठा के साथ 3 मई तक लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, जहां है वहां रहे, सुरक्षित रहे। वयम राष्ट्रे जागरयाम, हम सभी राष्ट्र को जीवंत और जागृत बनाए रखेंगे। इसी कामना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपको, आपके परिवार को उत्तम स्वास्थ्य की मंगल कामनाएं करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।